हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अपने ऑफिस में काम करते हो, किसी एक्सेल सीट में या वर्ड में काम करते हो या किसी और सीट पे काम करते हो, उसके बाद आप घर पे आ जाते हो और घर पे किसी आपके क्लाइंट का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ आपसे पूछता है कि यार मुझे इसकी प्राइस चाहिए या जो भी चाहिए, तो आप उसको किस तरीके से उसको मैनेज करोगे, कैसे दोगे आप, क्योंकि वो डिटेल आपके पास वहाँ पे होगी नहीं। तो आपको ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उस समय कि आप वहाँ पे ऑफिस में जो काम करो उसको अपडेट करो, वो आपको आपके घर के कंप्यूटर पे भी मिल जाए। आप उसको लैपटॉप पे, आपके जो घर में आप जो लैपटॉप यूज में लेते हो उसमें ओपन करोगे और ओपन करने के बाद वो एक्सेल सीट जो वहाँ पे अपडेट करी थी वो सेम टू सेम यहाँ पे ओपन हो जाए तो कितना अच्छा हो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज ऐसा ही कुछ मैं बताने वाला हूँ कि आप ऑफिस में काम करोगे और वो ओपन हो जाएगा आपके घर के लैपटॉप में, और जो लैपटॉप में, घर के लैपटॉप में जो आप अपडेट करोगे और वो आपको शो करेगा वहाँ पे ऑफिस के लैपटॉप पे। तो इस तरीके से आप दोनों मैनेज कर पाओगे, बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, लास्ट तक देखना और सारे स्टेप फॉलो करना। आप जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप कर पाओगे इजीली, आप घर पे और ऑफिस में दोनों जगह उस फाइल्स को मैनेज कर पाओगे, उसको देख पाओगे और उसमें काम कर पाओगे। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे अपन और इसमें यहाँ पे जाएंगे, देन इसके बाद इस पर ड्राइव पे क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव पे, और ये गूगल ड्राइव ओपन हो चुकी है। इसके अंदर अपन सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स पे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, इस पर क्लिक करेंगे और इसको अपन यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड्स में कर रहा हूँ मैं, सेव पे क्लिक किया और ये डाउनलोड हो रहा है। इसको आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से टाइम लगता है। ये 277 MB का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है। अब यहीं पे डबल क्लिक करके इसको रन कराएंगे अपन। यस, और यहाँ पे एड ऑन एप्लीकेशन शॉर्टकट बाय डेस्कटॉप, यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, देन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये आ रहा है कि एड डेस्कटॉप शॉर्टकट ऑफ गूगल डॉक्स सीट एंड स्लाइडर, मतलब कि गूगल डॉक्स के और गूगल सीट का जो आइकॉन आता है वो आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इस पर टिक मार्क लगा सकते हो, हटाना भी चाहो तो हटा भी सकते हो, मैं भी लगे रहने देता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो नीचे गूगल ड्राइव का ऑप्शन आया है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे, देन इसके बाद यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो दोस्तों, माय लैपटॉप का ऑप्शन आ रहा है और इसके बाद ये एड फोल्डर का ऑप्शन दे रहा है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एड फोल्डर पर क्लिक करेंगे और आप जहाँ पे भी चाहते हो वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो डी ड्राइव पे क्रिएट कर सकते हो, चाहो तो ई पे कर सकते हो, चाहे तो डेस्कटॉप पे कर सकते हो। मैं अभी डेस्कटॉप पे ही करके आपको दिखा रहा हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक किया एंड न्यू फोल्डर, और मैं इसमें फोल्डर का नाम दे रहा हूँ अमित जैन, ठीक है, और इसको मैंने क्लिक कर लिया एंड देन सेलेक्ट फोल्डर, डन, डन पे क्लिक कर दिया और सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। ये हो गया सेव, क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ से क्रॉस कर दिया। ये अमित जैन का फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। अब मैं उसको ओपन कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट कर देते हैं अपन। एक वर्ड डॉक्यूमेंट, एक KG और एक एक्सेल सीट बना लेते हैं वर्क, ठीक है,
और मैं एक्सेल सीट में कुछ टाइप भी कर देता हूँ। ये अपन इसमें 1 2 3 1 2 3 बस आपको अपन टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं केवल। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये कर दिया क्रॉस। इसके बाद अपन यहाँ पे से देखते हैं कि ये इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सिंक्रोनाइज हो चुकी है। आपको चेक कर लेना है कि सिंक्रोनाइज हो गई है, फिर राइट का टिक आ जाएगा, मतलब सिंक्रोनाइज हो चुकी है। तो अपन ये अपना घर वाले कंप्यूटर का या ऑफिस वाले मान सकते हो आप, ऑफिस वाले कंप्यूटर का काम हो चुका है। इसमें आप जो भी काम करोगे वो आप जहाँ पे दूसरी जगह आप दूसरा इंस्टॉलेशन करोगे वहाँ पे आपको शो होगा। वो किस तरीके से होगा अपन चलते हैं दूसरे सिस्टम पे, मैं आपको बताता हूँ उसमें कैसे करेंगे इंस्टॉल। दोस्तों अब आ गए हैं अपन घर के लैपटॉप पे और अब इसके अंदर भी गूगल ड्राइव इंस्टॉल करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गूगल क्रोम ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे और वही अपन ड्राइव पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद वही सेटिंग पे क्लिक करेंगे और गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसमें जाएंगे डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप और ये वापस से गूगल ड्राइव सेटअप इसमें से डाउनलोड हो रहा है। ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको कर रहा हूँ कैंसिल और मैं इसको कराता हूँ रन दोबारा से। ये डबल क्लिक किया, यस, इस पे टिक मार्क करेंगे अपन एड एन एप्लीकेशन शॉर्टकट टू योर डेस्कटॉप, देन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, देन क्लोज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसको कर देंगे अपन क्रॉस। दोस्तों कई बार तो वो अपने आप इसके अंदर जो आपका गूगल में गूगल क्रोम में जो लॉगिन है उससे वो लॉगिन हो जाता है। अगर वो लॉगिन नहीं है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप इसको लॉगिन कर लो और आपको चेक करना है कि वो किस अकाउंट से लॉगिन हुआ है। तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन इसके बाद यहाँ पे वो जीमेल आईडी आपकी दिखाई देगी। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे मेन बात कि जिस आईडी से आपके ऑफिस में लॉगिन है उसी आईडी से यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, नहीं तो आपका ये मैटर काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें लॉगिन होगा वही सिंक्रोनाइज होके यहाँ पे आपको शो करेगा। तो अगर आपके यहाँ पे उस आईडी से लॉगिन नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन दे देगा एड अनदर अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करके और आप दोबारा से यहाँ से लॉगिन कर सकते हो उसको उस आईडी से। यहाँ पे क्लिक करोगे या यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करके उस मेल आईडी पे जाके और उसको लॉगिन कर लेना। और वो लॉगिन करने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, ये गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, इस पे डबल क्लिक करोगे, इसके अंदर आपको अदर कंप्यूटर्स में जाना है, इसके अंदर माय लैपटॉप और इसके अंदर अमित जैन नाम से मैंने फोल्डर बनाया था तो इस पे राइट क्लिक करना है, देन सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर देना है तो उसका शॉर्टकट यहाँ पे बन जाएगा। और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और इसमें वो फाइल शो कर रही है जो वहाँ पे अपन ने बनाई थी। इसके बाद अपन वर्क वाली फाइल में जाते हैं और इसमें चेक करते हैं कि जो अपन ने 1 2 3 लिखा था वो है कि नहीं इसके अंदर। देखो दोस्तों ये 1 2 3 1 2 3 इसके अंदर शो कर रहा है। अगर अपन इसके अंदर अब यहाँ पे अपन इसके अंदर आगे डालते हैं 4 5 6 और यहाँ पे 4 5 6, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव और इसको अपन चेक कर लेते हैं कि सिंक्रोनाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों ये इसके अंदर देखो works.xls की फाइल है, वो उस पर राइट का निशान आ चुका है, मतलब कि वो सिंक्रोनाइज हो चुका है। तो अपन अब अपने ऑफिस वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जो भी आपका है उस पर जाके चेक करेंगे कि जो अपन ने अपडेट किया है वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो अपन चलते हैं दोस्तों ऑफिस वाले पीसी पे
दोस्तों ये अपन ऑफिस वाले पीसी पे आ चुके हैं और इसमें अपन अमित जैन नाम का फोल्डर ओपन करते हैं। देन इसके अंदर है वर्क, वर्क को ओपन करेंगे और ये देखो दोस्तों इसमें 456 456 ये दोनों लिखे हुए आ चुके हैं जो अपन ने वहां पे अपडेट करे थे। तो दोस्तों आप ऑफिस का काम घर पे और घर का काम ऑफिस पे कर सकते हो आराम से इजीली। जो फाइल आपने ऑफिस में काम किया है जिसको वहां पे अपडेट किया है उसके बाद आप चाहते हो कि घर में ओपन कर लो तो इस तरीके से वो ओपन हो जाएगी और आप उसमें अपडेट कर दोगे तो वो अपडेट हो जाएगा। वापस जाके आप ऑफिस में उसको ओपन करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। जो अपडेट किया है वो सब कुछ दिखाई देगा उसके अंदर। इस तरीके से आप इस फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो और सेव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।